आपके अपने YouTube चैनल बोटने वाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि जो प्लांट है, सेल्फ पोलिनेटेड जो प्लांट है, उनके अंदर क्या होगा। दो प्रकार के फ्लोर है या पुष्प का निर्माण होता है। एक तो होता है क्याज्मोगेमी और दूसरा होता है क्लिस्टोगेमी। इनके मध्य क्या क्या डिफरेंस पाए जा रहे हैं उनका अपन अध्ययन या देखेंगे कि कौन कौन से मेनली या मुख्य रूप से इनके मध्य डिफरेंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्याज्मोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी। ठीक है, यानी इन दोनों के मध्य अंतर क्या पाए जाते हैं, तो उनका अपन क्या है देखेंगे। सबसे पहला है अपना क्याज्मोगेमी और इस साइड में अपना है क्लिस्टोगेमी। ठीक है, तो सबसे पहला अपना क्या है, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो अपना जो क्याज्मोगेमी जो फ्लोर है उनके अंदर क्या होगा देखते हैं। द फ्लोर ओपन एक्सपोजिंग एंथर एंड स्टिग्मा, यानी ये क्या होगा, मेनली मुख्य रूप से जो ये क्याज्मोगेमी जो फ्लोर है ये क्या होंगे, ओपन होंगे, यानी जो मेल और फीमेल वाले जो भाग हैं वो क्या होंगे, एक्सपोज होंगे यानी ओपन होंगे। ठीक है, एकदम खुले होंगे, जैसे बायसेक्सुअल जो प्लांट है उसके अंदर अपन देखते हैं। ठीक है, और क्लिस्टोगेमी जो फ्लोर है इनके अंदर क्या होगा, जो फ्लोर है वो क्या होगा, एकदम क्लोज्ड होगा। ठीक है, यानी इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाएगी, ये क्या होगा, एक इसके ऊपर कवर नुमा स्ट्रक्चर पाई जाएगी और इसके अंदर क्या होगा, अपना मेल और फीमेल वाला भाग पाया जाएगा। ठीक है, मैंने पीछे भी बताया था कि जो क्लिस्टोगेमी जो फ्लोर है, क्लिस्टोगेमी फ्लोर के अंदर क्या होगा, 100% क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, क्याज्मोगेमी के अंदर दोनों भी पाए जा, दोनों यानी सेल्फ पोलिनेशन की भी संभावना हो सकती है और क्रॉस पोलिनेशन की संभावना भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद है यही कि जो क्याज्मोगेमी जो फ्लोर है इसके अंदर क्या हो सकता है, सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। और जो क्लिस्टोगेमी जो फ्लोर है इसके अंदर क्या होगा, ओनली क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन ही पाया जाएगा। ठीक है, तीसरा अपन देखें तो क्या है अपना, एक तो है क्याज्मोगेमी और एक है क्लिस्टोगेमी। क्याज्मोगेमी क्या है अपना, एक्सपोजिंग फ्लोर है या ओपन फ्लोर है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो ये क्या होगा, पोलिनेशन के लिए इसके अंदर मान लीजिए क्या है, क्रॉस पोलिनेशन पाया जा रहा है या कोई सा भी पोलिनेशन पाया जा रहा है सेल्फ, तो इसके अंदर क्या होगा, विभिन्न एजेंसियों की जरूरत होगी, यानी जो इन्वायरमेंटल या क्लाइमेटिक जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है, बायोटिक और एबायोटिक, उनकी पोलिनेशन के लिए इसको आवश्यकता होगी। ठीक है, लेकिन जो क्लिस्टोगेमी में जो फ्लोर है वो तो क्या है, क्लोज्ड है, इसके अंदर क्या मेल और फीमेल वाला भाग क्या है, एक के अंदर ही है, तो उसके अंदर ऐसी कोई एजेंसियों की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखते हैं अपन तीसरा, ए पोलिनेशन एजेंसी इज ऑफन रिक्वायर्ड, यानी जो क्याज्मोगेमी जो फ्लोर है इनके अंदर क्या होगा, जो पोलिनेशन एजेंसी है वो क्या होगी, आवश्यक होगी, लेकिन ऐसा क्लिस्टोगेमी जो फ्लोर है उसके अंदर ऐसा नहीं पाया जाएगा। ठीक है, यानी एक्सटर्नल पोलिनेशन जो एजेंसी है उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चौथा है कि जो क्याज्मोगेमी जो फ्लोर है इसके अंदर अभी अपन ने पीछे अभी बताया है कि इसके अंदर जो पोलिनेशन एजेंसियों की आवश्यकता होगी, मान लीजिए इसके अंदर पोलिनेशन एजेंसी क्या है, बायोटिक फैक्टर है, जैसे क्या हो गया, जैसे इंसेक्ट के द्वारा हो गया, बर्ड के द्वारा हो गया, कोई भी जो बायोटिक जो फैक्टर है उसके द्वारा हो रहा है, तो वो क्या, उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, फ्लोर है, फ्लोर के अंदर क्या होगा, जो पेटल वाला भाग है वो क्या होगा, कलरफुल पाया जाएगा, तो ये क्या होंगे, कलर्ड होंगे और ये क्या होंगे, कलर्ड लेस होंगे। ठीक है, यानी क्या होगा, क्रिस्टोगेमी जो फ्लोर है क्या क्या होंगे, या तो वाइट होंगे यानी कलरलेस होंगे, जबकि ये क्या होंगे, क्याज्मोगेमी जो फ्लोर है वो क्या होंगे, अपने कलरफुल होंगे। ठीक है, यानी ये क्या होंगे, रंगीन होंगे और ये क्या होंगे, रंगहीन होंगे। ठीक है, एक अपना
कोमेलिना कोई प्लांट पाया जाता है, उसके अंदर क्या होगा, नोट लगा के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। एक कोमेलिना एक प्लांट पाया जा रहा है, उसके अंदर क्या होगा, ये दोनों कंडीशन पाई जा रही है, ठीक है। कौन सी, एक तो क्या होगी क्याज्मोगेमी और दूसरा क्या हो गई क्लिस्टोगेमी, ठीक है। क्याज्म, ठीक है, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो कोमिलेना जो प्लांट है इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए ऊपर भी फ्लोर पाए जा रहे हैं और नीचे भी क्या पाए जा रहे हैं, और नीचे ये क्या है, भूमि है, और इसके नीचे इसकी क्या है, राइजोम पाए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये भी फ्लोर पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर तो इसके कौन से फ्लोर पाए जाएंगे, क्याज्मोगेमी, और नीचे कौन से पाए जाएंगे, क्लिस्टोगेमी। ठीक है, ठीक है, ऊपर कौन से पाए जा रहे हैं, क्याज्मोगेमी, और नीचे कौन से पाए जा रहे हैं, क्लिस्टोगेमी। क्याज्मोगेमी क्या होते हैं, ओपन होंगे, ठीक है, कलरफुल होंगे, और इनके अंदर पोलिनेशन किसके द्वारा होगा, इंसेक्ट के द्वारा होगा, और इसके अंदर क्या होगा, क्लोज्ड होंगे, ठीक है। और जो पोलिनेशन है वो क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाएगा, कितना, 100% सेल्फ पोलिनेशन पाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया, दो प्रकार के इसके अंदर फ्लोर पाए जाते हैं, एक तो क्या हो गया एरियल हो गया, एक नीचे क्या होगा टेरिस्टेरियल। एरियल के अंदर क्या होगा, जो इसके अंदर क्या होगा, ऊपर की ओर कौन सा फ्लोर पाया जाएगा, क्याज्मोगेमी। इसके अंदर क्या होगा, कलरफुल पाया जाएगा। अब कलर भी कैसा होगा, या तो क्या होगा ब्लू होगा या वॉयलेट कलर पाया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो पोलिनेशन है किसके द्वारा होगा, इंसेक्ट के द्वारा, जबकि जो क्लिस्टोगेमी जो फ्लोर है जो किस के नीचे पाए जा रहे हैं, भूमि के अंदर पाए जा रहे हैं, जो राइजोम है, राइजोम की जो ब्रांच है उसके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं अपने, क्लिस्टोगेमी फ्लोर पाए जा रहे हैं, वो क्या है अपने क्लोज्ड है, और इसके अंदर पोलिनेशन क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था अपना, एक कोमिलिना का फ्लोर था जिसके अंदर क्या है, दोनों फ्लोर पाए जा रहे हैं, क्याज्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी। और इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि क्याज्मोगेमी फ्लोर और क्लिस्टोगेमी जो फ्लोर है, इन दोनों के मध्य क्या अंतर पाए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे